फिलहाल ये गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर इस तरीके से। ये राजस्थान मोटर्स, उनको कॉल किया और उनकी गाड़ी भी आ गई है। ये है पाकिस्तान बॉर्डर। अगर मैं आपको बताऊँ नहीं कि ये जैसलमेर है तो आपको पता नहीं चलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आर्या, और आप लोगों को शायद पता है कि मैं हूँ अभी फिलहाल राजस्थान में अपनी शेरनी को लेके। शेरनी खड़ी है पीछे, और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू हैव टू वॉच टिल द एंड, क्योंकि आज जो मैं एडवेंचर करने जा रही हूँ वहाँ पर शायद ही कोई क्रिएटर जाके ड्राइव करके आया है। सो दिस इज सो एक्साइटिंग फॉर मी। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, कुछ परमिशंस के साथ मैं इस जगह के लिए निकल रही हूँ, और ये जो जगह है वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो देखते रहे ना, आई एम गोना शो यू माय एंटायर जर्नी। मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे जगह में ड्राइव करने वाली हूँ, कैसी मुसीबतों का सामना करने वाली हूँ, वो सारी चीजें आपको आज के एपिसोड में दिखेगी। सो लेट्स मूव। यहाँ पे जो हो रही है तैयारी वो पूरी परफेक्ट। ये मेरा कैंप है कैंपिंग के लिए, अगर जरूरत पड़ी ये उड़ने के लिए। ब्लैंकेट रख दो यहाँ पे, तो ऑल सेट है। क्योंकि जब ऑफ रोडिंग करने स्पेशली जाते हो, सो यू नीड टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स। पीछे यहाँ पर क्या है कि देखो, हुक, कुछ भी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो वी कैन कॉल सम यू नो रेस्क्यू कार, और वो आके खींच के निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से गाड़ी फंसती है कहीं पे तो जैक का यूज करके आई कैन डू दैट। ये है प्रेशर पंप। क्या है, जब आप ड्यून्स में गाड़ी चलाते हो वहाँ पर हवा का प्रेशर कम होना चाहिए 20-21 तक, और जब रोड पे चलाते हो तो हम 30 तक रखते हैं। तो ये प्रेशर पंप इसलिए लिया, जब ड्यून्स में जाएंगे थोड़ी हवा निकाल देंगे, जब बाहर आते हैं तो वापस अगर हमें टायर में हवा भरनी तो ऑल शेयरनी इज ऑल सेट। और मैं तो हमेशा रेडी होती हूँ। हाल ये गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से ये गाड़ी भी फिलहाल अटक चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली रास्ता वो था। सो ये जैक लगाया है गाड़ी को थोड़ा सा, तो आगे थोड़े चांसेस कम थे और पीछे आई हैव स्पेस। यहाँ पर हमने लगा दिया है। शेरनी को जब मॉडिफाई कराया था तो फ्रंट बम्पर के नीचे अंडर गार्ड लगवाया था, और उसके अंदर राइट साइड का हुक होता है वो कहीं पे दब गया था, और राइट साइड का टायर ज़्यादा डीप स्टक था और वहाँ पर जैकेट लग नहीं रहा था। तो मैंने पीछे की साइड से भी जैकेट लगा के कार को थोड़ा और ज़मीन से ऊपर लाने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश करती रही मैं, पर एंड मोमेंट पे कार वापस नीचे आ रही थी। यहाँ से थोड़े बड़े बड़े पत्थर लेके जाते हैं, क्योंकि ना गाड़ी के नीचे पत्थर रखने से जैक से गाड़ी ऊपर तो आ गई है लेकिन बस पत्थर रखना है। मेरी शेरनी कहाँ फंस गई। काफी एफर्ट्स के बाद भी गाड़ी नहीं निकल पाई क्योंकि बीच में से ऐसे फंस चुकी है पूरा। तो मैंने फाइनली ये राजस्थान मोटर्स, उनको कॉल किया और उनकी गाड़ी भी आ गई है। नाउ ऑल गो इनसाइड, गाड़ी खींचेंगे और पीछे जाएंगे फिर। बोलते हैं कि एडवेंचर जब करते हो ऑफ रोडिंग तो बैकअप कार रहनी चाहिए। दिस इज द रीजन लोग ऐसा बोलते हैं कि बैकअप कार रहनी चाहिए, बट या आई हैव चॉइस। अगर मैं बहुत बुरा फंसी देन आई कैन कॉल देम, सो दे आर हियर थैंकफुली, एंड देन आई विल कंटिन्यू माय जर्नी। सो होपफुली अभी निकल जाएगी शेरनी। बस फिर कार इज आउट, शेरनी इज आउट। यहां पर फंसी थी गाड़ी, चेयर डाल के उतरे बैठ गए। एंड ऑल सेट टू यू अगेन thanks to Rajasthan Motors for his backup car. Thank you bhaiya. Love this track, all about golden grass. Wow, ye road bhi bahut badhiya hai, bana hua track ekdum proper. Bas isko follow kar rahi hu main. ये जो सारा एरिया दिखाई दे रहा है वो है बॉर्डर, ठीक है। ये है पाकिस्तान बॉर्डर। बस यहाँ से शुरू होता है वो सारा एरिया जहाँ पर अभी गाड़ी चल रही है अपनी शेरनी, एंड दिस इज ऑफ रोडिंग। ओह माय गॉड, आई एम लविंग दिस। एक बार गाड़ी फंसी उसके अलावा भी हमको आगे जाना है 50 किलोमीटर, जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग चलते ही जाएंगे। शाम हो गई है और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, और आगे काफ़ी अभी यू नो एरिया है जो मुझे कवर करना है, बट अभी ऑलमोस्ट थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। सो दैट्स द प्लेस जहाँ पर मैं जाने की सोच रही हूँ फिलहाल। शाम के बज चुके हैं अभी 6:30। स्काई देखो, ये पेड़ के पास मैंने एक जगह ढूंढ ली है, यहाँ पर करेंगे कैंपिंग। सबसे पहले मैं चेंज करूँगी और अपना घर बनाऊँगी प्यारा सा, फिर बॉनफायर करेंगे, और यहाँ पर ही सेट होना है आज, क्योंकि कल यहीं से कंटिन्यू करना है मुझे। ये जो होती है सूखी घास और इससे लगती है आग। टेंट भी रेडी है।
जो हम बुफे नहीं लगता है जहाँ खाना गर्म करते हैं जो पकाया, उसके लिए यूज होता है। ये है फ्यूल, सीका फितिक है, उससे जलेगा अभी। बेहतरीन आग जल चुकी है यहाँ पे और मैं बैठ चुकी हूँ। क्या है कि मेरे पास घर से पैक किए गए आलू की सब्जी और पराठा भी है। सोचा था मैगी बनाऊंगी, बट अपने पास रियल माल है एकदम। जहाँ शेरनी की लाइट वहाँ और कोई लाइट्स की जरूरत नहीं है। ये अपना घर है, यहाँ पर एक ऐसा होता है। तो ये जो है इसमें हम रखेंगे बैग, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग के साथ मस्त यहाँ पे लेटा जाएगा, है ना, बेहतरीन। और आज लकीली ठंड भी कम है, तो अभी मैं खाऊंगी अपने पराठे, उसके बाद करेंगे थोड़ा रेस्ट। क्या शेरनी चमक रही है यहाँ से, वो देखो फुल मून। वाह, यहाँ मेरे ना बढ़िया से पराठे। मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगी, ऐसे ही सुबह उठ जाऊंगी। यहाँ पराठे हैं, ये ना मैं पैक करके लेके आई थी, और यहाँ पर है सब्जी इस तरीके से। तो इसमें से हम खाएंगे खाना, आलू की सब्जी। गुजरातियों की आदत है, कहीं भी बाहर जाते हैं सूखी भाजी, पराठा, पूरी, ये सब चीजें होती है। अभी देखो ये लाइट है मेरे पास, इसको मैं ना ऊपर लगा सकते इधर मस्त इसका लाइट को कभी भी बंद कर दो, जब तक चालू है तब तक चालू है, जब सोना होगा तब सो जाएंगे, मस्त उठेंगे सुबह में आराम से। पानी वानी सब गाड़ी में है। वाह क्या मजा आ गया, यहाँ से मुझे स्काई भी दिख रहा है। जब भी लाइट बंद कर दूंगी ना, यहाँ नेट है तो स्काई दिखता है ऊपर। सुबह सूरज की पहली किरण देखने के बाद वापिस मैं निकल गई अपनी राह पे, जहाँ पर मुझे जाना था, वही डेजर्ट वाले रोड, आसपास गोल्डन ग्रास एंड ऑफ रोडिंग विद शेरनी। करते करते पहुंच गई मैं इंदिरा गांधी कनाल, उसका एंड। वैसे ये कनाल सबसे लॉन्गेस्ट एंड फेमस कनाल है, जिसका उद्गम होता है पंजाब राज्य में और समाप्ति राजस्थान राज्य में। पहले इसको राजस्थान कनाल के नाम से भी जाना जाता था, 1984 में इसका नाम बदल दिया गया था। ये पूरा येलो ग्रास इससे होता है बॉनफायर, बढ़िया सा बॉनफायर होता है इससे। यू डोंट नीड केरोसिन आल्सो। और ये सब मिलता है राजस्थान की लैंड जैसलमेर में। अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि ये जैसलमेर है तो आपको पता नहीं चलेगा, आई एम श्योर। ये थी आज के एपिसोड की कहानी, शेरनी के साथ ऑफ रोडिंग टूवर्ड्स बॉर्डर। शेरनी का फंसना, उसको निकालना, वो गोल्डन ग्रास को फील करना, डेजर्ट में कैंपिंग करना, मूनलाइट देखना, सनराइज देखना, और भी बहुत कुछ। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, समवेयर एल्स, अ न्यू प्लेस। बाय बाय, लव यू ऑल।